नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले दंगे की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर पुलिस ने पीएम मोदी की रैली से पहले हिंदू मुस्लिम दंगे की साजिश रचने के आरोप में समाजवादी पार्टी के चार नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जबकि चार आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर साजिश का पर्दाफाश किया है। दरअसल कल पीएम मोदी की रैली से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी झंडा लगी एक कार पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता पथराव कर रहे थे। इन लोगों ने पीएम का पुतला भी फूंका और लोगों को भड़काने की साजिश रची। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नौबस्ता इलाके में अपनी कार पर ही बीजेपी का झंडा लगाकर तोड़फोड़ और आगजनी की और पीएम की रैली से पहले तोड़फोड़ आगजनी का यह वीडियो वायरल किया। ऐसा करके वो बुंदेलखंड से आ रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भड़काना चाहते थे ताकि हिंसा हो जाए। कानपुर पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर अटैक किया है। पूरी साजिश को समझने के लिए आप इस वीडियो को गौर से देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको एक सफेद रंग की ऑल्टो कार साफ नजर आ रही है, जिस पर ना सिर्फ आगे बीजेपी का झंडा लगा है बल्कि कार के पीछे पीएम मोदी की रैली का पोस्टर भी आपको नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की टोपी पहने, लाल रंग की टोपी पहने कुछ कार्यकर्ता इस कार पर देखिए कैसे पथराव कर रहे हैं, जोर जोर से पत्थर जमीन से उठाकर मार रहे हैं। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि यह कार किसी बीजेपी कार्यकर्ता की नहीं है, ना ही इसमें कोई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुआ है। ये सब साजिश के तहत हुआ। समाजवादी पार्टी की यूथ विंग के राष्ट्रीय सचिव सचिन केसरवानी ने इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाया जो आपको गाड़ी के आगे दिख रहा है और दंगे की साजिश के तहत इस पर पथराव का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। और जब इस वीडियो को वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर देखा तो वो फौरन मौके पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर उन्होंने आसपास के लोगों से जब पूछा तो दबे स्वरों ने लोगों ने कुछ लोगों का नाम बताया, जिसमें सचिन का भी नाम शामिल था। एक बार फिर से इस गाड़ी को देखिए, ऑल्टो कार है सफेद रंग की, आगे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, पीछे उस रैली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उसका पोस्टर लगा हुआ है। कानपुर में साजिश के चार किरदार अब तक पुलिस की गिरफ्त में हैं और चार आरोपी अभी तक फरार हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस ने लखनऊ से सचिन केसरवानी, सुकांत शर्मा, अभिषेक रावत और निकेश कुमार को अरेस्ट किया है। इस पूरे मामले में कानपुर के एसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस जल्द ही इस केस के हर एक किरदार को बेनकाब करेगी जो इस साजिश के पीछे था। नौबस्ता थाने इलाके में कल की हुई घटना के संदर्भ में कानपुर पुलिस ने अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ाई है और इस संबंध में हमने गाड़ी जो जिस गाड़ी के को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए चार लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। ये हैं सुकांत शर्मा और दूसरे हैं सचिन केसरवानी, तीसरे हैं अभिषेक रावत और चौथे हैं निकेश कुमार। इन चारों की गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। बाकी अन्य चार लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और शीघ्र ही हम इस पूरी घटना का जो भी इससे संबंधित लोग हैं उन्हें हम गिरफ्तार करके आगे की जो विधिक कार्यवाही है उसे हम करेंगे। कानपुर पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कि एसपी के नेताओं ने खुद अपनी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाया, फिर उसमें तोड़फोड़ की ताकि रैली में आए बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो जाएं और बवाल हो जाए। सुनिए संबित पात्रा ने और क्या कहा। ये घटना जहां हुई है वो नौबस्ता हमीरपुर रोड है। नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर में और उसके बीच में स्थित बम्बा चौराहा का ये वीडियो है जिसमें गाड़ी पकड़ा गया है, गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई है, गाड़ी को तोड़ी गई है और जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे इस गाड़ी के साथ वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी वहां मौजूद थे। सपा का समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है, स्टूडेंट्स विंग है, उस छात्र सभा के जो सचिव है, सेक्रेटरी है,
जिनका नाम अखबारों ने सचिन केसरवानी के रूप में लिखा है, वो उस वीडियो में मौजूद थे, ये पुलिस ने पता लगाया है। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पुलिस लगा करके जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी, ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसे देख करके भड़क जाएंगे, स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे और मार पिटाई की व्यवस्था वहां आरंभ हो जाएगी, वहां आगजनी आरंभ हो जाएगी, वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया समाजवादी पार्टी के छात्र सभा द्वारा, उनके स्टूडेंट्स विंग द्वारा। आप सोच सकते हैं आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था, लाल टोपी मतलब खतरे की निशानी, लाल टोपी मतलब खतरा, आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। तो कानपुर में साजिश के खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने भी समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हताश निराश हो चुके हैं, अखिलेश की पार्टी के लोग ऐसी साजिशें रचते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे हमारे साथ हैं। सर, कानपुर के नौबस्ता में पुलिस ने एक समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर की रैली के पहले हिंसा के लिए साजिश कर रहे हो, जिसके ऊपर आरोप है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता उसके लोग बहुत हताश और निराश हैं और माननीय मोदी जी के कार्यक्रमों में जिस तरह जनसैलाब आ रहा है और अभी जो पार्टी की जन स्वाभिमान यात्राओं में जिस तरह जनता की प्रभावी सहभागिता हो रही है उससे घबरा के वो अपने पुराने हथकंडे पर लौट आई है। अशांति पैदा करो, तनाव पैदा करो और इस राज्य का माहौल अराजकता की तरफ ले जाओ। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, योगी राज में कोई अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी और उत्तर प्रदेश के अमन चैन को समाजवादी पार्टी या किसी अन्य को हम लोग बिगाड़ने नहीं देंगे। सर, पहले अपनी गाड़ी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो तस्वीर लगाई, फिर उस गाड़ी में तोड़फोड़ किया, आग लगाई, फिर उसका वीडियो वायरल करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई। निश्चित तौर से ये ऐसे साजिशाना काम वो करते ही रहते हैं। 2017 में जब लोकप्रिय सरकार योगी आदित्यनाथ की बनी तो आलू मार्केटों में अभी पैदा उतरा भी नहीं था, लेकिन लखनऊ के कालिदास मार्ग पर सड़े आलू फेंक करके गिरे आलू खरीद नहीं हो रही है। बाद में जांच हुई तो मालूम हुआ कि अभी तो एकदम आलू की आवक ही नहीं शुरू हुई है, कहाँ सड़ा आलू डाला। ये फर्जी काम करना, ऐसे अराजक और काम करना, ये आपराधिक मानसिकता के लोग हैं और इन लोगों को जनता खुली आंखों देख रही है। इनका मकसद क्या हो सकता है जब ऐसे समय में जब चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? इनकी हताशा यह प्रकट कर रही, इनकी बौखलाहट है, इनको जनसमर्थन नहीं मिल रहा है। ये बौखलाहट में तरह तरह की ये स्वांग रच रहे हैं, तरह तरह का माहौल बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कानून व्यवस्था के सवाल पर योगी सरकार को सबसे अधिक जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये किसी न किसी रूप से कानून व्यवस्था का माहौल बिगाड़ने की कोशिश का एक भाग है। और सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह का। विशाल, हमने महेंद्र नाथ पांडे को सुना, संबित पात्रा ने भी ये बयान दिया कि ये सोची समझी जो साजिश है सपा की तरफ से रची गई है। देखिए ज्योत्सना, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप लगाए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस गाड़ी को बाकायदा समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के लोग डिस्टर्ब करते हुए, यानी कि मैनहैंडल करते हुए, यानी कि तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की ना होकर के समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की है। और उसी रास्ते से, जब प्रधानमंत्री की रैली के बाद उसी रास्ते से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमीरपुर यानी कि बुंदेलखंड का जो रीजन है वहां से वापस लौट
लौटना था और मंशा ये रची गई थी कि वहां पर बाकायदा दंगा कराया जा सके, अशांति फैलाई जा सके, माहौल को खराब किया जा सके। हालांकि कानपुर पुलिसनेट की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी सचिन केसवानी समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद गाड़ी के मालिक से बात हो पाई है क्या? मालिक कौन है ये पता चल पाया है क्या? मालिक से बात हो पाई है क्या? उसका समाजवादी पार्टी से कोई लिंक सामने आया है? देखिए, हमारी लगातार जो कानपुर पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत चल रही है। उनका यही कहना है कि उन्होंने मालिक को ट्रेस आउट कर लिया है और जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेंगे, मालिक से पूछताछ कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मालिक कौन है, उसके बाद वो निश्चित तौर पर मीडिया के सामने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो गाड़ी मालिक है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता है। तो जाँच के बाद निश्चित तौर पर सच सामने जरूर आएगा ज्योत्सना, लेकिन जो आरोप लगे हैं, जो विजुअल्स दिखे हैं, वो वाकई में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है और अपने आप में एक अलार्मिंग ट्रेंड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के डिस्टर्बिंग वीडियोस अगर सामने आते हैं, कोई साजिश जैसी बात सामने आती है, तो वो अपने आप में हैरान करने वाली है। यही वजह है कि कानपुर पुलिस को इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन को लेने के लिए बोला गया है और यह भी बोला गया है कि इस पूरे मामले की बात संबित पात्रा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि दरअसल इस इलाके को समझें तो यह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया तो क्या हिंदू मुस्लिम साजिश रचने की भी यहां पर कोशिश हो रही थी, उस तरफ भी उन्होंने इशारा किया। बहरहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।